हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाली चाय की रेसिपी, जो कि पीने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसे बनाना आसान भी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मिल्क, दूध। जब भी चाय बनाएं तो आप कच्चे दूध का इस्तेमाल करें, इससे आपकी जो चाय है बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। मैंने यहाँ पर 2 कप दूध ऐड कर दिया है पैन में। मैं इसमें 1/2 कप पानी ऐड करूँगी। कितनी कप आपको चाय बनाना है उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें सबसे पहले चाय पत्ती ऐड करूँगी, 2 चम्मच। अच्छी चाय पत्ती का इस्तेमाल करें, इससे कलर अच्छा आएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर, शक्कर 2 चम्मच। मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें मिलाइए। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो शक्कर का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। सब मिलाने के बाद अब हम बर्नर पे चाय को रखेंगे और इसे बॉयल आने तक हम पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। यहाँ पर मैंने इलायची डाल दिया है, इलायची से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब तक चाय में उबाल नहीं आ जाती हम इन्हें पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाए चाय में, तो गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारी चाय उबल चुकी है, तो मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम लो रखूंगी और हल्की आंच में हम इन्हें 1 मिनट अच्छे से पका लेंगे। देखिए चाय पत्ती का कलर भी अच्छा आ गया है। परफेक्टली हमारी चाय तैयार है। बहुत सिंपल आसान तरीके से ये टेस्टी चाय हमारी बनके तैयार हो चुकी है, तो हम इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।